आपदा को लेकर एक्शन मोड में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा के संबंध में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का लॉन्चिंग कार्यक्रम, वर्चुअल लॉन्चिंग कार्यक्रम ये जो होने वाला है इसमें शामिल होंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा को लेकर एक्शन मोड में है सीएम पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और एक बार फिर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में क्या हालात हैं इस पर अपडेट लेंगे और आगे किस तरीके से हालातों को और सही किया जाए, स्थिर किया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है उसमें वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। अजय पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आज देखा यह जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, खासकर आपदा को लेकर एक्शन मोड में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। खुद जमीन पर जाकर, फील्ड में जाकर वो जायजा ले रहे हैं। आज किस तरीके से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी अधिकारियों के साथ, ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण? देखिए मोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपदा प्रबंधन में कहीं से कोई कमी ना आने पाए और कोई शिकायत ना दर्ज हो पाए। लगातार जो वो खुद फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जाकर के वहाँ मौके का उन्होंने मुआयना किया है, इसके बाद जो पीड़ित हैं उनका दुख दर्द भी साझा किया और सरकार की ओर से जो भी कंपनसेशन तय किए गए हैं वो आपदा पीड़ितों को दिए जा रहे हैं। हर जिले में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से उसका आकलन किया जाए और अधिकारियों को कैसे तेजी से फुर्ती से वो काम करना है, उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। और सभी जिलों में जब गए थे मुख्यमंत्री तो वहां पर जाकर के उन्होंने बैठकें की। उसके बाद अब मुख्यमंत्री देहरादून में बैठकों का जो दौर है वो शुरू कर चुके हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। जब आपदा की घड़ी थी, आपदा की स्थिति थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम से लेकर के अन्य जगहों पर जाकर के अधिकारियों के साथ बैठक की, उनको दिशा निर्देश दिए। अब मुख्यमंत्री हर जिले का जो अप टू डेट जो स्थिति है वो जानना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार जिला अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। मुख्य सचिव को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, मुख्य सचिव भी अपने स्तर से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सारे की सारी जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं वो एकत्र की जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री जो है इस बात को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, काफी गंभीर नजर आ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन में कहीं से कोई कमी न आने पाए, क्योंकि बहुत विकट स्थिति रही है पिछले दिनों और उससे कैसे पार पाया जाए। तमाम सड़कें जो है वो टूट गई हैं, जो छोटे छोटे गांव से जो संपर्क मार्ग है, छोटे छोटे रास्ते हैं वो तक टूट गए हैं, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तमाम लोगों की जान चली गई है। तो ये आपदा की जो घड़ी है, जो ये वर्तमान स्थिति है, इससे कैसे उभरा जाए, लोगों को फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए, लोगों का सामान्य जीवन कैसे फिर से सुचारू किया जाए, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सचिवालय में आएंगे, दोपहर को 11 बजे आएंगे, उसके बाद से बैठक करेंगे। 1 बजे के लगभग में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को लेकर के भी वो वर्चुअल बैठक करेंगे। इसके बाद से तमाम अधिकारियों के साथ जो फाइलिंग कार्य है वो निपटा रहे हैं। मुख्यमंत्री सीएम आवास में भी बैठ करके यही सब काम कर रहे हैं और सचिवालय में भी इन सब चीजों को प्रमुखता के साथ, जो फाइलें हैं उसको तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर दिशा निर्देश के तहत देख रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद फील्ड पर उतर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं आपदा से जो प्रभावित हुए हैं उन क्षेत्रों का, और अधिकारियों के साथ वो बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं अजय, जिस तरीके से तमाम जो सक्रियता दिखाई जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, क्या उसका असर वाकई प्रदेश पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आपदा प्रभावित जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, क्या उन तक मदद पहुंच रही है? जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है अजय?
जी हाँ बिल्कुल, देखिए जब प्रदेश के मुखिया खुद मौके पर मौजूद रहेंगे तो जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी त्वरित गति से काम करेंगे। एक एक सूचनाओं को एकत्र किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों को कह रहे हैं कि वो हर घंटे की हर पल की जो रिपोर्ट है वो उन तक मुहैया कराएं। यही वजह रही है कि जो आपदा के समय वो जो सारी सूचनाएं त्वरित गति से फ्लैश हुई, एक दूसरे के पास पहुंची, जिन संबंधित अधिकारियों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए था वहां पर सूचनाएं गई। मुख्यमंत्री खुद फील्ड में घूमते रहे और लोगों के दुख दर्द को बांटते रहे। और देखिए जब मुख्यमंत्री मौके पर रहेंगे और लोगों के बीच रहेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं जब वो खुद सुन रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद रह रहे हैं, तो जाहिर है कि संबंधित जो अधिकारी हैं, उस क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार जिनको जिम्मेदारी मिली है वो लोग भी वहां पर जाएंगे। तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी जुटे हुए हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लोग भी जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ मौके पर रह रहे हैं। तो जाहिर है कि जो पटरी पर लाने की जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि जो सामान्य जीवन फिर से सुचारू किया जाए, वो उसमें तेजी जरूर आ रही है और अधिकारी भी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हर अधिकारी को एक रिपोर्ट देनी है कि उन्होंने अब तक क्या काम किया है, उनके क्षेत्र में क्या कमियां रही हैं, कितना नुकसान हुआ है, किसको फौरी तौर पर कितना राहत पहुंचाना है। तो हर गली हर मोहल्ले की जो रिपोर्ट है, जहां पर ये आपदा जैसी स्थिति आई है, आपदा आई है, उन जगहों की सारी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जल्द ही सारा सामान्य जीवन जो है वो पटरी पर आ जाएगा, सब कुछ सुचारू हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें जो भरपाई की बात है कि एक जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द है, एक लंबे समय तक ये दर्द रहेगा। और जो आपदा का दंश है, देखिए वो जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन उसको भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और खास तौर से मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। सभी जो प्रभारी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, वो प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, वो भी बैठकें कर रहे हैं, वो भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, हर तरह से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, आकलन किया जा रहा है और ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जाए इसको लेकर के जो सामान्य लोग का जीवन है वो कैसे पटरी पर लाया जाए, ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ये तमाम लोग सक्रियता के साथ काम करते रहे। जी बिल्कुल, आप बनी रहिए हमारे साथ अजय, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.